कोई कानून व्यवस्था इस पूरे प्रदेश में बाकी नहीं बची है। पुलिस प्रशासन सिर्फ सरकार का एजेंडा लागू कराने पर लगे हुए हैं। शिक्षा के मंदिरों को बंद कर देना चाहती है सरकार, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। रोज पुलिस इदारों को घेर लेती है, लोगों को बाहर निकाल देती है, फर्जी सामान अंदर लेकर जाती है, लोगों को हिरासत में लेती है, फर्जी मुकदमों में फंसाती है, उन्नाव की बेटी के साथ नाइंसाफी करती है। अभी पुलिस का कहना है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया गिरफ्तार करने के बाद। हमारी मांगों पर पहले पुलिस आश्वासन दे, हमारी मांगों पर पुलिस हमें आश्वासन दे, प्रशासन आश्वासन दे। अच्छा, यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनका कहना है कि कुछ चीज पर फर्जीवाड़ा है, जो किताबें हैं वो चोरी की पाई गई है। कोई कम से कम आप तो तालीमी इदारे के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, आप तो खुद पढ़े लिखे आदमी हो, आप सोचो जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो आपके देश का नाम रोशन करेंगे, मेरे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारी आने वाली नस्लों को सुधारेंगे। अरे किताबों का आरोप लगाते हो, जो खुद गाड़ियों से घर लेकर यूनिवर्सिटी लेकर गए थे, और मैं उसके बावजूद भी कहता हूँ, अरे लोग तालीमी इदारों को किताबें देते हैं, लोग अपनी ज़ाती जायदाद, अपनी दौलत दे देते हैं तालीमी इदारों को, ताकि उनकी आने वाली नस्लें सवर जाएं। ये सरकार लोगों को जाहिल रखना चाहती है।